देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने झूठ नहीं कहा था कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उस चीज से मिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है। और अनुराग ठाकुर तो फिर भी मोदी सरकार के नगीने हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, कायनात ने उनकी चाहतों के नमूने को चूम कर जामिया में उतार दिया। कौन है? क्या नाम है? सर पिस्टल लिया, पिस्टल। ऐसा जादुई असर तो गांधी बाबा में भी नहीं था कि सड़क के चौराहे पर मंत्री जी ने अपील की और एक भाई गोली बंदूक लेकर दिन दहाड़े निकल गया, फायरिंग करने लगा। भारत के वित्त राज्य मंत्री अब डंके की चोट पर यह दावा कर सकते हैं कि लोकप्रियता के दावे कोई कितने भी कर ले, लेकिन असर में उनकी तरह का कोई दूसरा नेता अखा इंडिया में नहीं होगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। एक से एक नेता हुए भारत में, लेकिन ऐसी प्रबुद्ध, उदार, सुसंस्कृत और मानवीय वैचारिकी वाला नेता अनुराग ठाकुर से पहले कोई नहीं हुआ। कहने को देश की एकता और अखंडता अक्षुण बनाए रखने की शपथ ली थी, लेकिन वोट की भूख और सत्ता की तड़प के आगे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचल डालने के साहस की ऐसी गौरवशाली मिसालें दुर्लभ है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब विपक्ष वाले इतने सहृदय, इतने सहनशील और इतने संवेदनशील श्री अनुराग ठाकुर के पीछे पड़ गए कि आपने कहा था, इसीलिए शांति का एक दूत गोली बंदूक लेकर जामिया पहुंच गया। ये देश चलेगा बैलेट पेपर से चलेगा या फिर गोली मारो देश के गद्दारों को? तो यही तो हम कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, आप ही इंसाइट कर रहे हैं, जो सरकार में है आप इंसाइट कर रहे हैं। और अगर कल किसी बीजेपी के खिलाफ अगर कोई शख्स है उसको कोई गोली मारेगा, किसी का मर्डर होगा, तो उसकी साफ तौर से जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर के ऊपर, वो बीजेपी के एमपी के ऊपर जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक इंसाइटमेंट स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ये वायलेंस होता है। ये तो क्लियर कट है, कनेक्शन है इसका। सब चलते हैं अनुराग ठाकुर से, नेतागिरी की यही दिक्कत है, सामने वाले को बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। इनके कहने पर तो नारियल पानी पीने भी नहीं आते, और ठाकुर साहब की अपील के बाद भाई जान लेने निकल गया था, वो भी पुलिस वालों के बीच। समझ रहे हैं कि असर का लेवल क्या है? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अनुराग ठाकुर की शहद घुली जुबान के असर से जले बिना नहीं रह सके। बजाय उन्हें बधाई देने के उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही हमला बोल दिया। बताइए, ये कोई बात होती है? जब बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता लोगों को गोली मारने के लिए उकसाएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, तब ये सब होना मुमकिन है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वो कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, वे हिंसा के साथ खड़े हैं या अहिंसा के साथ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस घृणा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो घृणा आज भारत की सत्ता के ऊपर काबिज है। अब अनुराग ठाकुर बहुत आहत है, उन्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि मोदी जी ने मंत्री बना दिया तो क्या हुआ, उनके टैलेंट की कद्र नहीं हो पा रही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया यूनान से लेकर आज तक दुनिया का इतिहास पलटकर देख लीजिए, हुआ है ऐसा कोई मंत्री जिसकी गोली मारने की अपील को इतनी गंभीरता से लिया गया हो? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इस अपील के बाद भाई ने अपनी जंग लगी चोरी की बंदूक की नाल साफ की और पहुंच गया जामिया, जैसे देश को आजादी दिलाने पहुंचा। अनुराग ठाकुर से जलने वालों में केवल नेता नहीं है, पुलिस और चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग ने तो 72 घंटे तक ठाकुर साहब के प्रचार करने पर ही रोक लगा दी है।
कि आपकी मीठी जुबान से कहीं पूरी दिल्ली को डायबिटीज ना हो जाए। और पुलिस ने गोलीबाज मंत्री की अपील के बाद पिस्तौल लेकर निकले राष्ट्रवादी पर दफा 360 ठोक दिया है। सोचिए देश कहां जा रहा है। देश के गद्दारों को आज तक ब्यूरो।